हेलो माय डियर्स, आज हम करने जा रहे हैं कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट वन इज एक्विजिशन। इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर कर रही है एक फर्म दूसरी फर्म को कैसी शेयर वोटिंग राइट और एसेट ऑफ एनी इंटरप्राइज, और कंट्रोल कर रही है मैनेजमेंट पर या फिर किसी कंपनी की एसेट पर, तो उसे हम कहते हैं एक्विजिशन। नेक्स्ट है कार्टल। कार्टल एक ग्रुप हो गया, इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स सेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर। इनका एक ग्रुप हो गया सेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर का, जो कि एग्रीमेंट करते हैं और लिमिट कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स और प्राइस गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को। तो कार्टल के लिए तीन चीज़ें जरूरी हैं। एक तो क्या वहाँ पे फर्म्स हैं, दूसरा कि उनके बीच में एग्रीमेंट है, तीसरा कि उनका एम है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन को सेल और प्राइस को, मतलब को कंपटीशन को बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेलिवेंट मार्केट। रेलिवेंट मार्केट वो होती है जहाँ पे फर्म कोई सेलर क्या करता है अपनी सेल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जहाँ पे वो गुड्स को सेल करता है, इन मीन्स चोर फॉर मोर गुड्स कम्पीट करती हैं। अब इसके टू कंपोनेंट्स हैं रेलिवेंट मार्केट के। फर्स्ट है रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट एंड सेकेंड वन इज रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट। और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट का मतलब है कि कोई फर्म कितना प्रोडक्ट सेल कर रही है, कितनी प्रोडक्ट लाइन सेल कर रही है, बाकी सभी सेलर्स कितनी कितनी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, और उनका आपस में प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है, क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनके प्राइसेस हैं, क्या क्या उनकी यूजेस हैं। और रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट में है कि कोई फर्म किस एरिया में सप्लाई कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, कौन सी सर्विस सप्लाई कर रही है, वहाँ कि उस एक पर्टिकुलर एरिया के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं, तो वो हो गया रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट। एक चीज इसमें आते हैं एक्ट में डिस्टिंक्टली होमोजीनियस एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, दैट इज डिफरेंटिएशन। कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वो होमोजीनियस हैं या डिफरेंशिएट है, उनमें डिफरेंशिएशन है, वो एक दूसरे से अलग हैं। तो कंपटीशन एक्ट मानता है कि अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस है सेम है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन होगा, यानी कि वहाँ पे सभी सेलर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो सेम हैं, तो जो कंज्यूमर है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, उसको सभी प्रोडक्ट सेम लग रहे हैं, तो हर सेलर चाहेगा कि मेरी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा हथकंडे अपनाएगा, जैसे एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट करेगा, डोमिनेंट पोजिशन का यूज़ करेगा। लेकिन अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंशिएशन है क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज, तो कस्टमर के पास है ऑप्शन कि वो किसी प्रोडक्ट को चूज कर सकता है, तो वहां पर इतना इफेक्ट नहीं होगा कंपटीशन पर, लेकिन होमोजेनियस में होगा। तो कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट ना हो इसलिए कंपटीशन एक्ट 2002 डिफरेंटेशन को इम्पोर्टेंस देता है। सेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई इंक्वायरी करनी है और इनको कोई ऐसे कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है जो कि किसकी कॉन्ट्रावेंट है कंपटीशन एक्ट 2002 के प्रोविजंस के लिए, और उन इंक्वायरी करनी है और इंक्वायरी करने की लिए हेल्प चाहिए कमीशन को डायरेक्टर जनरल की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट है ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कमीशन। फर्स्ट है टू एलिमिनेट प्रैक्टिस दैट आर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। सेकंड है सीसीआई प्रमोट करेगा सस्टेन करेगा कंपटीशन को और प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर्स की इंटरेस्ट को। सीसीआई ऐसी इंक्वायरीज को इंक्वायरी करेगा और फैक्टर्स को फाइंड आउट करेगा जो रिस्पॉन्सिबल है AAEC, यानी कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन पोजीशन डोमिनेंट पोजीशन एंड रेलिवेंट मार्केट एरियाज। इंक्वायरी करेगा कि कोई कॉम्बिनेशन है वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट तो नहीं डाले कंपटीशन पर, वो देखेगा कि ये जो क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है एक्ट ने उसको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है
इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो उनको अप्रूवल दे देगा सीसीआई के ये कम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, तो उनको क्या है उस कंसर्न पार्टी को नोटिस सेंड करेगा कि 30 डेज के अंदर अंदर इस कॉम्बिनेशन को कैंसिल किया जाए। अब देखिए ये काम कैसे करते हैं सीसीआई वाले। एक चेयरपर्सन होते हैं, वो क्या करेगा, बेंचेस बना देगा, यानी कि अलग अलग पार्टीज बना देगा एम्प्लॉयज की। तो जो प्रिंसिपल बेंच होगा वो चेयरपर्सन का होगा, बाकी अनदर एडिशनल बेंच बना देगा। तो इनको सबको एक मैटर दे दिया जाता है, वो सभी अपने अपने डिसीजंस देते हैं, इस पर फाइनल डिसीजन चेयरपर्सन का ही होगा। अगर इनमें डिफरेंट डिफरेंट है इनके डिसीजन, तो वो चेयरपर्सन को जो बेटर फिट लगेगा वो डिसीजन माना जाएगा। कई बार चेयरपर्सन क्या करते हैं, इनको एक ही मैटर नहीं देते, इनको अलग अलग मैटर सबको दे देता है, जिसके ऊपर उनको अपनी राय देनी होती है। सिक्स, द कमीशन कैन इश्यू ऑर्डर इन केस ऑफ एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, रिस्ट्रेन एनी पार्टी फ्रॉम कैरिंग ऑन सच एन एक्ट। अगर कमीशन को लगता है कि कोई फॉर्म्स एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिस यूज कर रही है, तो उस पार्टी को ऑर्डर इश्यू करेगा कि वो अपना बिजनेस कैरी ना करें। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंपटीशन पॉलिसी बना रही हैं, तो वो क्या, तो वो कमीशन को रेफरेंस करेंगी कि वो हम उनको ओपिनियन दे, उनको एडवाइस करें। तो यहाँ पर कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बेस्ट से बेस्ट एडवाइस दें, और जो इनकी ओपिनियन है गवर्नमेंट पर कोई बाइंड नहीं है, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का होगा। और सीसीआई क्या है, जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ओम्बड्समैन है, यानी कि जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर अपनी कंप्लेन्स दर्ज करवा सकती है सीसीआई के पास। और सीसीआई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि लार्ज कॉर्पोरेशन के अंगेंस्ट उनको डिफेंड करेगा, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, उनका इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। सीसीआई कॉल कर सकती है, डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, एविडेंस मंगवा सकती है, विटनेस और पब्लिक रिकॉर्ड मंगवा सकती है। अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए स्टेक होल्डर्स में कमीशन सेमिनार कंडक्ट करता है, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता है, और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस होते हैं डेडिकेटेड होते हैं वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी, ताकि हमारी इकोनॉमी में कॉम्पिटिशन हो, फेयर हो, ट्रू हो। थैंक यू।